नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग मोबाइल पर YouTube वीडियो के लिए वीडियो कवर किस तरह बनाएं तो आज हम लोग सीखेंगे। सर्वप्रथम आप लोग मोबाइल का प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए थंबनेल मेकर, और वहाँ से आप लोग आसान से डाउनलोड कर सकता है ये थंबनेल मेकर। उसके बाद आप लोग इसको खोलेंगे। खोलने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो आइए थंबनेल मेकर को खोलेंगे, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे दिख रहा है एक क्रिएट न्यू, वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे ला सकता है, कोई भी फॉन्ट, कोई भी फोटो वगैरह वगैरह, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे ला सकता है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक फ़ोटो को लाना चाहता हूँ, तो आपने देख रहा है कैमरा का जो यहाँ पे सिंबल, वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे एड पिक्चर पे जाइए, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद गैलरी को खोलिए, थंबनेल मेकर को लूँगा। इसको आपने यहाँ से पकड़िए, ऐसा छोटा बड़ा कर सकता है, इसको कहीं भी रख सकता है। फिलहाल इसको यहाँ पे रखूँगा। फिर आप लोग यहाँ पे जो फॉन्ट लिखा हुआ है एक असेंबल, वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एड टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप फॉन्ट लिख कर रख सकता है कोई भी, किसी भी तरह का। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐड कीजिए। करने के बाद आप इसको यहाँ पे इस तरह से खींच कर छोटा बड़ा किसी भी तरह से यहाँ पे रख सकता है। रखने के बाद ऊपर दिख रहा है जो फोर कॉर्नर जो वहाँ पे कलर है, वहाँ पे ब्लू कलर, वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसका कलर को भी चेंज कर सकता है इस तरह से। फिलहाल मैं इसी तरह में दूंगा। उसके बाद फिर अभी कैमरा में आइए। कैमरा में आने के बाद एड पिक्चर के बाद गैलरी को खोलिए। यहाँ से कोई भी आप यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर सकता है, कोई भी खुद का फ़ोटो या तो कोई भी। फिलहाल मैं यूट्यूब का मैं फ़ोटो लूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे रखिए, कहीं पर भी रखिए, इसको मिला कर रखिए। देखिए मोबाइल पर यूट्यूब, यहाँ भी आइए, एड टेक्स्ट भी आइए, जो एक असेंबल वहाँ पे क्लिक कीजिए। करने के बाद फिर एड टेक्स्ट पे जाइए, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद टाइप कीजिए, एड कीजिए। करने के बाद आपने कहीं भी रख सकता है इसको। मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो के लिए फिर यहाँ पे जाइए, एड टेक्स्ट पे जाइए, ऐड कीजिए। कहीं भी रखिए आप इसको, इस तरह से आप रख सकते हैं इसको, इस तरह से आप इसको रख सकता है, कहीं भी रखिए। फिर टेक्स्ट पे आइए, क्लिक कीजिए, आउट
टाइप कीजिए। एड करने के बाद इसको खींच कर कहीं भी रख सकता है आपने। इस तरह से कहीं भी रख सकता है। इसको भी यहाँ से आप भी थोड़ा बड़ा कीजिए, इसको छोटा बड़ा कर सकता है आपने। पर देखिए जो ये यहाँ पे जो कलर को भी चेंज कर सकता है आपने, यहाँ पे क्लिक कीजिए और नीचे देखिए यहाँ पे देखिए कोई भी कलर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे दिख रहा होगा ये साइड पे जो राइट का चिन्ह है वहाँ पे 26 लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपने यहाँ पे सेटिंग भी कर सकता है। क्लिक कीजिए, देखिए किसी भी तरह से आप इसको सेट कर सकता है। नीचे देखिए किसी भी तरह से इस तरह से घुमा कर रख सकता है, किसी भी तरह से 3D बना सकता है इसको। देखिए नीचे देखिए छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से सेटिंग कर सकता है। फिर देखिए ये जो राइट का सिंबल है 36 यहाँ पे क्लिक कीजिए, इस तरह से देखिए किसी भी तरह से आप इसको रख सकते हैं। देखिए देखिए किसी भी तरह से आप इसको सेट कर सकता है। फिर आइए जो ये राइट का चिन्ह है जो 46 लिखा हुआ है वहाँ क्लिक कीजिए, देखिए इसको इस तरह से आप किसी भी यहाँ पे टच कीजिए किसी भी चीज़ को आप यहाँ से चेंज कर सकता है। देखिए 3D बना सकता है इस तरह से, देखिए छोटा बड़ा कर सकता है इसको। देखिए सेटिंग है यहाँ पे, किसी भी तरह से आप इसको बना सकता है। तो दोस्तों इसको आप यहाँ पे सेटिंग भी कर सकता है फिर इस तरह से। फिर एड टेक्स्ट पे जाइए, कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे। एड कीजिए, कोई भी कलर दे सकता है यहां से। उसके बाद ये कैमरा में आइए, आप आने के बाद यहां से कोई भी फोटो ले सकता है। फिर यहां पे क्लिक कीजिए, गैलरी पे जाइए, जाने के बाद फिलहाल मैं इसको लूँगा, छोटा कीजिए बड़ा कीजिए रखिए कहीं भी। देखिए दोस्तों इस तरह से बना सकता है आपने अपना मोबाइल पर YouTube वीडियो के लिए थंबनेल वीडियो कवर। पूर्ण रूप में बन जाने के बाद सेव कीजिए, कॉर्नर में दिख रहा है जो मेमोरी कार्ड का जैसा सिंबल वहाँ पे क्लिक कीजिए,
करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है दोस्त सेव्ड ड्राफ्ट डाउनलोड जेपीजी, यहाँ से आप लोग कर सकता है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा, यहाँ पे आप कोई भी नाम ऐड कर सकता है, उसके बाद सेव कर दीजिए।